सबसे पहले तो आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की समस्त जनता को संविधान दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं कि ये हमारा 4 दिन का दौरा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी हों, उनको हमने डिसॉल्व कर दिया है और नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू है। उसी के तहत में कल हमारे सीनियर लीडर जो संगठन के थे उनसे हमने मुलाकात करी है। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में जो पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सीनियर लीडर्स रहे हैं, कल सुबह से शाम तक हम उनके साथ बैठे थे। आज संविधान दिवस मनाने के बाद में हमारे जितने भी फ्रंटल्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद में कल जो 12 कोऑर्डिनेटर हमने लगाए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो 4 लोकसभाओं पर एक एक कोऑर्डिनेटर लगाया है और 12 जिलों में एक एक कोऑर्डिनेटर लगाया है, कल उनकी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में मीटिंग होने के बाद में वो अपने अपने जिले में जाके ब्लॉक स्तरीय कमेटी के लोगों से और सीनियर लीडर से मुलाकात करेंगे। और हमारा सबका ये मानना है कि हिमाचल के अंदर एक मजबूत, सशक्त और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को आने वाली प्रदेश इकाई में मौका मिले। देखिए, अभी हम संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, जो जो फीडबैक हमारी आएंगी, हमारा काम है कि हम एक ब्रिज के रूप में कार्य करें और संगठन और सरकार का दोनों का एक ब्रिज के रूप में कार्य करते हुए दोनों मिलके प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए कार्य करें।